जरेडा के 2 सदस्य टीम पहुंची बोकारो एयरपोर्ट। राज्य सरकार ने हवाई अड्डों पर सोलर एनर्जी की खपत को बढ़ाने के लिए सोलर रूफ टॉप लगाने की योजना बनाई है। इसी को लेकर जरेडा की टीम ने बोकारो हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। इस दौरान बोकारो हवाई अड्डे के अधिकारियों से बात की। जरेडा के 2 सदस्य टीम ने बोकारो हवाई अड्डे का निरीक्षण कर यह रिपोर्ट तैयार कर रही है कि आखिर इस हवाई अड्डे में कितना किलोवाट का सोलर एनर्जी की आवश्यकता है, जिसके तहत प्रपोजल तैयार कर सरकार को भेजा जाना है। जरेडा के प्रोजेक्ट इंजीनियर मुकुल कुमार ने बताया कि अभी सर्वेक्षण का काम किया जा रहा है। सर्वेक्षण के बाद यह पता लगा पाएंगे कि यहाँ सोलर एनर्जी के लिए कितने वाट तक का सोलर रूफ टॉप लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस काम को शुरू करने में 3-4 महीने का वक्त लगेगा, क्योंकि पूरी प्रक्रिया निवेदा के द्वारा की जानी है। लोग एयरपोर्ट का निरीक्षण करने आए हैं, क्या सोलर का क्या प्रोजेक्ट? एक्चुअली हम लोग अभी झारखंड सरकार की जो रिन्यूअल एनर्जी एजेंसी है जरेडा, वहाँ से आए हैं। तो अभी झारखंड सरकार की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जितने एयरपोर्ट्स हैं उस पर सोलराइजेशन किया जाना है, यानी रूफटॉप सोलर का वहाँ पर स्थापन होना है। तो उसी के अंतर्गत हम लोग अभी सर्वेक्षण करने आए हैं कि यहाँ पर कितने किलोवाट का रूफटॉप सोलर लग सकता है। तो वही सर्वेक्षण हम लोग देख के फिर यहाँ से रिपोर्ट भेजा जाएगा, तब इसके थ्रू फिर टेंडर की प्रक्रिया की जाएगी, फिर आगे इस पर कार्य। क्या देखे जिस तरह से एयरपोर्ट में कितना अभी तक तो हम जस्ट आए ही हैं, अब यहाँ के अधिकारी से हम लोग मिलेंगे, एयरपोर्ट अथॉरिटी की और सेल के अधिकारी से मिलेंगे, फिर वो हमें पूरे एयरपोर्ट पर सर्वेक्षण करवाएंगे, उसके आधार पर हम लोग निर्णय लेंगे कितने किलोवाट का यहाँ पे रूफटॉप सोलर लग सकता है। कितने दिनों में स्थापन हो जाएगा? अभी तो फिलहाल इसका सर्वेक्षण की प्रक्रिया चल रही है, तो अभी कम उमन मान के चलिए तो 3-4 महीने का वक्त इसमें लग सकता है। क्या नाम है जी? मुकुल कुमार मेरा। क्या है? प्रोजेक्ट इंजीनियर हूँ।